हेलो फ्रेंड्स, सभी का संजर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ सईद अब्दुल मन्नान। टुडे वी टू डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इन फर्स्ट लेक्चर वी टू डिस्कस अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इन दिस लेक्चर वी टू डिस्कस अबाउट स्टेट ऑफ मैटर। हम ये लेक्चर में स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। बेसिकली थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स आर अवेलेबल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप ओल्ड स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हमें यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज देखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखना है। तो फर्स्ट सॉलिड, फर्स्ट क्या है, सॉलिड। इन एक्टिविटी 1.9 कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, बुक, नीडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक। आपको पेन, बुक, नीडल एंड पीस ऑफ वुड लेना है। उसको आपको क्या करना है, एक पेपर पर पुट करके उसको स्केच करना है। आप उसको स्केच कर सकते हो या नहीं? यस, हम स्केच कर सकते हैं, बट सभी का डिफाइनेट शेप है। यस, सभी का डिफाइनेट शेप है एंड उसका वॉल्यूम भी है। यस, एंड आपने जो भी पेन लिया हुआ है, बुक लिया हुआ है, उसको आप हैमरिंग करो। मतलब उस पर क्या करो, आप एक हैमर की तरह उसको हैमर करो, तो आपके उसको आप ब्रेक कर सकते हो। यस, बट उसका शेप चेंज हो रहा है, नहीं। उसको आपको क्या करो, हैमरिंग करो, तो सेफ एंड सेफ क्या होगा, सेफ ब्रेक होगा। एंड अब उसको कंप्रेस कर रहे हो, मीन्स उसको क्या करो, दबा रहे हो, तो क्या होगा, उसका शेप में कोई चेंज आ रहा है, नहीं। समटाइम्स लिटल बिट क्या होगा, चेंज आ रहा है। इट मीन्स हमें क्या पता चल रहा है कि जो सॉलिड है उसका डिफाइनाइट शेप होगा। जो हमने देखा है, सॉलिड हैव डिफाइनाइट शेप, उसकी बाउंड्रीज क्या होगी, फिक्स होगी, फिक्स वॉल्यूम एंड निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। मतलब उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, निग्लिजिबल, मतलब समटाइम्स क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा। एंड उसको समटाइम्स कंप्रेस कर रहे हो, एट टाइम्स आप उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा, वो लिटिल बिट चेंज होगा। मीन्स वो क्या है, रिजिड है, मीन्स उसका शेप चेंज नहीं कर, रिजिड मतलब कठिन होना, मतलब उसका एक फिक्स स्टेट है। जैसे कि स्टोन है, अब स्टोन को आप कंप्रेस करो तो कंप्रेस नहीं होने वाला, बट उसको हैमर करोगे तो क्या होगा, वो ब्रेक होगा, बट उसका शेप चेंज नहीं होगा। जब कंप्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, रिजिड बॉडी है। उससे आपको क्या पता चल रहा है कि सॉलिड है उसका डिफाइनाइट शेप है, डिफाइनाइट शेप है, उसकी बाउंड्रीज फिक्स है, फिक्स वॉल्यूम्स है, उसका निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है एंड वो क्या है, रिजिड बॉडी है। तो आपको ये फाइव प्रॉपर्टीज उसका आपको रिमाइंड रखना है। इन नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि जो रबर बैंड है उसको आपको स्ट्रेच करो। स्ट्रेच करने से क्या हो रहा है, उसके शेप में लिटिल बिट चेंज आ रहा है, बट आप उसको स्ट्रेच करने के बाद उसको नॉर्मल कर लो तो क्या होगा, एज इट इज वो पोजिशन में आ रहा है। आफ्टर दिस शुगर एंड सॉल्ट, आप शुगर एंड सॉल्ट को ले लो, आप उसको एक जार के अंदर डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, वो शेप कौन सा ले रहा है, जार के अकॉर्डिंग टू ले रहा है, बट जो एक्चुअल में जो शुगर का जो शेप था उसमें चेंज हो रहा है, नो, उसमें क्या होगा, चेंज नहीं होगा। एंड थर्ड वन जो है स्पंज, मतलब स्पंज है, उसको आप उसको प्रेस करो, स्पंज को आपको प्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, स्पंज को ब्रेक प्रेस कर रहे हो तो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, बट उसको आप नॉर्मल कर लो तो एज इट इज पोजिशन में आ रहा है। मीन्स जो सॉलिड होगा वो क्या कर रहा है, कंप्रेस होगा, लिटिल बिट होगा, बट एज इट इज पोजिशन में आ रहा है। मीन्स उसका डिफाइनाइट शेप है, डिफाइनाइट वॉल्यूम है, उसका रिजिड बॉडी है, निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है एंड उसकी बाउंड्रीज भी क्या है, फिक्स है। उसको आपको ब्रेक करना है, उसको डिवाइड करना है, सेफ एंड सेफ आप उसको हैमर से कर सकते हो। हैमर करोगे क्या होगा, वो सेफ एंड सेफ ब्रेक होगा, बट उसका शेप वो चेंज नहीं होगा। सेकंड जो है लिक्विड, तो एक आपको एक्टिविटीज दिया हुआ 1.10, हियर आपको वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक लाना है। एंड सभी को आपको क्या करना है, एक जार के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप का आप जार ले लो, मतलब एक फनेल भी ले सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट शेप के आप बाउल ले लो, उसके अंदर आप उसको मिक्स करो, तो आप देख सकते हो जो लिक्विड है, आपने जो
जार लिया हुआ, जो कंटेनर लिया हुआ, उसके अंदर क्या हो रहा है, कंटेनर का जो भी शेप हो क्या कर रहे हो, वो गेन कर रहे हैं। जैसे ऑयल मिल्क है, मिल्क को आप कोई ग्लास के अंदर फीड करो तो ग्लास का शेप होगा, आप उसको बॉटल में डालो तो उसका शेप क्या होगा, बॉटल जैसा होगा। आप उसको अदर थिंग्स उसको फ्लोर पर डाल लो तो क्या हो रहा है, वो स्प्रेड हो रहा है, मीन्स उसका डिफाइनेट शेप अवेलेबल नहीं है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, हियर नो फिक शेप, मतलब जो लिक्विड है उसका शेप क्या फिक्स नहीं है, एंड बट उसका वॉल्यूम क्या है वो फिक्स है, मतलब जो भी अमाउंट में आपने जो लिया हुआ उसका वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो लिक्विड जो है, जो कंटेनर का जो शेप है वो क्या कर रहा है, उसको वो ले रहा है, एंड लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे नो रिजिड बट कैन बी लिक्विड फ्लूइड, मीन्स उसको आपको फ्लो कर रहे हो, मीन्स आप उसको फ्लोर पर जब डाल रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, रिजिड नहीं है, वो क्या है, फ्लूइड है, वो क्या है, फ्लूइड है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है, उसका डिफाइनेट शेप अवेलेबल नहीं है बट उसका फिक्स वॉल्यूम अवेलेबल है। उसको उसका जो शेप है वो जो कंटेनर में आप उसको मिक्स कर रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो, कंटेनर का शेप क्या कर रहे हो, गेन कर रहा है, एंड उसके अंदर वो रिजिड नहीं है, रिजिड मतलब वो फिक्स नहीं है। उसको आप फ्लोर पर डालो तो क्या होगा, फ्लोर जैसा होगा, आप उसको बॉटल में डालो तो बॉटल जैसा होगा। तो मीन्स कंपेयर टू सॉलिड वो क्या पूरा डिफरेंट है। जो सॉलिड में हमने देखा था उसका डिफाइनेट शेप है, लिक्विड में शेप अवेलेबल नहीं है। हियर उसकी जो बाउंड्रीज फिक्स थी सॉलिड में, उसमें बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, उसका फिक्स वॉल्यूम था, हियर भी फिक्स वॉल्यूम है, एंड सॉलिड जो है वो रिजिड है बट लिक्विड क्या है वो रिजिड अवेलेबल नहीं है। क्लियर, ये आपको डिफरेंस आज कर सकते हो, सॉलिड लिक्विड एंड थर्ड जो स्टेट हम पढ़ेंगे उसका डिफरेंस 100% आपको आएगा ही आएगा, आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में रिटर्न करना और उसको डिफरेंस रिटर्न करना है। आफ्टर दिस हमें जो एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 जो कंप्लीट की, उसके अंदर सॉलिड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, मीन्स हमने क्या किया था, पोटेशियम परमैंगनेट हमने लिया था लिक्विड के अंदर, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हम डाल रहे थे, वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, मतलब वो ब्रेक हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है वो क्या हो रहा है, सॉलिड सॉलिड को डिफ्यूज कर रहा है। एंड थर्ड वाला जो है, जो गैस, गैस फ्रॉम एटमोसफेयर डिफ्यूज इन डिजोल्व इन वाटर, एटमोसफेयर में जो गैस है वो भी क्या हो रहा है, लिक्विड के अंदर वो डिफ्यूज हो रहा है, मतलब वो स्प्रेड हो रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो भी क्या है, वो डिफ्यूज हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, लिक्विड के अंदर। आपको पता होगा द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट, मीन्स जो एनिमल, जो वाटर के अंदर जो एनिमल अवेलेबल है, वाटर के अंदर जो हमारे एनिमल अवेलेबल है वो कैसे लिविंग कर रहे हैं, उसको लिविंग करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन कहाँ से लेकर आ रहा है, जो वाटर जो है, वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन मिक्स है, जो हमारा वाटर है उसका ऑक्सीजन क्या है, मिक्स है, उसका आपको फॉर्मूला पता है H2O, आप देख सकते हो O क्या है हमारा, O है ऑक्सीजन, वो क्या हुआ है, वाटर में डिजोल्व हुआ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो भी क्या है, जब वो आउट ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं तब भी क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लिख रहा है, वो कहाँ पर डिजोल्व हो रहा है, वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है, मीन्स लिक्विड के अंदर गैस सॉलिड वो क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, एंड ऑल लिविंग थिंग्स उसमें क्या कर रही है, उसको यूज़ कर रही है, एंड उसको क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। तो मे बी कंक्लूड दैट द सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इन टू लिक्विड, मीन्स आप बोल सकते हो जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस सभी चीज़ क्या हो सकती है, डिफ्यूज हो सकती है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिक्विड का हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नींबू पानी है एंड वाटर, आप दोनों को मिक्स करो तो क्या होगा, वो डिफ्यूज होगा। लेमन आप डाल रहे हो तो क्या होगा, वो डिफ्यूज होकर पूरे लिक्विड के अंदर वो क्या हो रहा है, वो डिफ्यूज होकर स्प्रेड हो रहा है, मीन्स हम बोल सकते हैं इन अ लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड गैस वो क्या हो रहा है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो रहा है। अब कंपेयर करो डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन हायर देन द सॉलिड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इज लिक्विड स्टेट, पार्टिकल मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर टू एज कंप्रेस टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट, मीन्स जो डिफ्यूजन होने की जो कैपेसिटी है कंपेयर टू सॉलिड क्या है, वो ज़्यादा है, मीन्स
सॉलिड से क्या है, लिक्विड के जो डिफ्यूजन होने की जो कैपेसिटी हो क्या है, ज़्यादा है। एंड आप देख सकते हो हियर जो इन बिटवीन, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इन बिटवीन जो लिक्विड है इन बिटवीन क्या है, लिटिल मोर स्पेस अवेलेबल है, बट सॉलिड में जो है स्पेस अवेलेबल नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है, कंपेयर टू सॉलिड जो लिक्विड के जो डिफ्यूजन होने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, ज़्यादा। ये आपको रिमेंबर रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या हो रहा है वो आपको आएगा, तो आपको रिटर्न करने में ये इजी रहेगा। एंड उसको आप ये जो स्पेस अवेलेबल है लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड है एंड ये क्या है हमारा सॉलिड है, उसके अंदर स्पेस अवेलेबल है इसीलिए हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी है वो कंपेयर टू सॉलिड वो क्या है, वो भी हमारी ज़्यादा है। क्लियर। आफ्टर दिस जो थर्ड जो है गैसीय स्टेट, जो हमारा थर्ड स्टेट है वो क्या है, गैसीय स्टेट। आपने देखा होगा एक बलून शेल्टर है वो क्या कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ बलून फ्रॉम वन सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस, मीन्स एक शेल्टर है जो बलून का क्या कर रहा है, वो सेलिंग कर रहे हैं। आप देखोगे एक गैस का जो सिलेंडर है उसमें से काफ़ी सारे बलून को वो फिल कर रहा है, मीन्स सिंगल बलून, सिंगल जो बॉटल है सिलेंडर उसमें से काफ़ी सारा वो फिल कर रहा है। इट मीन्स आप देख सकते हो ईयर जो गैस है काफ़ी सारा प्रेजेंट है, बट किस में है वो सिलेंडर, बट सिलेंडर का जो शेप है साइज है वो क्या लो है, मीन्स उससे क्या पता चलेगा, हियर जो गैस में जो है, जो गैस है उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है, लो वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको फील कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक नोज़ल लेना है 100 ml का, आपको एक नोज़ल लेना है, उसके अंदर आपको एक नोज़ल के अंदर आपको क्या करना है, गैस फील करना है, सेकंड नोज़ल के अंदर आपको सॉलिड फील करना है, एंड थर्ड के अंदर आपको क्या करना है, लिक्विड करना है, या सॉलिड एंड लिक्विड। एंड ऊपर वाला जो एंड डाउन साइड जो है रबर कॉक्स है उसको बंद करना है। एंड ये पिस्टल है, अपर साइड वाला जो पार्ट है पिस्टल है, आप पिस्टल से प्रेस करोगे तो आप ईजिली किसके अंदर प्रेस कर सकते हो, ऑब्वियसली गैस के अंदर, कंपेयर टू सॉलिड एंड कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड में भी होगा बट क्या होगा, लो होगा, बट गैस में आप ईजिली उसको पिस्टल आप उसको पुश कर सकते हो एंड सिरिंज को आप रिमूव मतलब कंप्लीट कर सकते हो। तो उससे आपको पता क्या चल रहा है, मीन्स जो गैस है उसके अंदर हायरली कंप्रेसिबिलिटी अवेलेबल है, मीन्स उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जो हमने देखा था, सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी क्या थी, वेरी लो थी, उससे इंक्रीज किस में है, लिक्विड में, एंड उससे इंक्रीज किस में है, गैस में अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड से क्या है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए हमारे जो गैस सिलेंडर जो हमारे होम में जो आ रहा है LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको ये पूरा नेम रिमाइंड रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपको LPG का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। आप देख सकते हो LPG का जो हमारा जो सिलेंडर है उसमें काफ़ी सारा गैस अवेलेबल है, आपको एक मंथ तक, 2 मंथ तक जैसे आप यूज़ कर रहे हो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड सिमिलरली ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल में जो सप्लाई हो रहा है उसके जो सिलेंडर है उसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारा गैस फिल कर सकते हैं। एंड जो थर्ड वन जो है CNG, हम CNG जैसे हम कार बाइक का हम यूज़ कर ही रहे हैं, कार के अंदर CNG हम ऐड कर रहे हैं, तो आप देखोगे CNG का जो सिलेंडर होगा वो क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, बट उसके अंदर गैस आप फिल ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप कर सकते हो, मीन्स वो क्या कर रहे हैं, लो वॉल्यूम आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको फील कर सकते हो, मीन्स उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, हायर है, इसीलिए आपको क्या कर सकते हो, उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा फील कर सकते हो। बट उसी सिलेंडर के अंदर आप सॉलिड मिक्सअप ऐड करो एंड लिक्विड करो तो तीनों का जो आप वेटेज देखोगे तो गैस के कंपेरिजन में क्या होगा, लो होगा, बिकॉज उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा, इसीलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप फील कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल आपके होम के अंदर जब मम्मी एनी डिश प्रिपेयर कर रही है तब को समटाइम्स आपको स्मेल आ रही है, स्मेल मतलब एरोमा जब आ रही है, जब जो भी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको स्मेल देखना, वेरी फास्ट ये आपको मूव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके किचन में मम्मी एनी डिश प्रिपेयर कर रही है और नेबर रूम में आपका
रूम है और आपने जैसे ही उसका जो डोर ओपन किया था कुछ स्मेल आ रही है, इट मीन्स जो गैस है वो फास्टली क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। बिकॉज इन अ गैस मॉलिक्यूलर एंड पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, काफ़ी सारी स्पेस अवेलेबल है। अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप हीट कर रहे हो तो क्या होगा, आपकी जो स्मेल हो क्या हो गया, फास्टली वो मूव होगी। हमने एक्टिविटी देखा था जो स्टिक है या परफ्यूम के आपके पास बॉटल है, आप क्या कर रहे हो, परफ्यूम के आपके शर्ट पर जब आप उसको लगा रहे हो, मतलब आप उसको डाल रहे हो, तब क्या होगा, पूरा जो रूम होगा वो क्या होगा, परफ्यूम से वो पूरा आपको स्मेल एरोमा जब आ रहा है। इसी तरह से आप स्टिक ले लो, आप स्टिक को वन कोने में आप अपने रूम में रखो, उसको ग्लो कर रहे हो, तो क्या होगा, पूरे आपका जो रूम है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्टिक की जो स्मेल आ रही है, मीन्स जो गैसेस जो पार्टिकल है वो लार्जली क्या हो रहा है, मूव हो सकता है, एंड उसके अंदर जो स्पेस है वो क्या है, वेरी लार्ज स्पेस है, लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैस, सो प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट फ्रॉम अदर गैस। मीन्स हमने देखा था जो सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन होने की जो थी वो क्या वेरी लेस थी, लिक्विड के अंदर क्या है उससे थोड़ी ज़्यादा है, एंड गैस के अंदर उससे भी ज़्यादा है। आपको ये एग्जाम्पल रिटर्न कर सकते हो, जब मैं परफ्यूम वाला बोला, परफ्यूम की जो बॉटल है उसके अंदर जो परफ्यूम अवेलेबल है वेरी लो है, उसका वॉल्यूम अभी लो है। अब जैसे उसको ओपन करो आपका पूरे रूम में आपको परफ्यूम की एरोमा आ रही है, मतलब स्मेल आ रही है, आपको पता चल रहा है। तो इन गैस के अंदर जो इन बिटवीन जो स्पेस है वो क्या है, वेरी लार्ज है, एंड उसकी स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो रहा है कि वो जब उसको एनी कंटेनर में या एनी बलून में जब उसको फिल कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल एनी कंटेनर में आप उसको फिल कर रहे हो, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स एवरी टाइम वो क्या करें, उसकी जो सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं, सरफेस को क्या करें, स्ट्राइक कर रहे हैं एंड फोर्स लगा रहे हैं, मीन्स वो क्या करें, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप उसको ओपन कर रहे हो, जैसे मीन्स कंटेनर है या परफ्यूम की बॉटल आप उसको ओपन करो, तो क्या करें, पास लो अदर साइड मूवमेंट कर सकते हैं। यार आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सॉलिड दिया हुआ, एक सॉलिड है, इन बिटवीन जो पार्टिकल की जो स्पेस है वेरी लेस है, मीन्स निग्लिजिबल है। सेकंड जो वन है लिक्विड, आप देख सकते हो लिटिल बिट स्पेस अवेलेबल है, ये लिक्विड के अंदर आप सॉल्ट ऐड कर रहे हो, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स कहाँ पर वो एग्जिस्ट होंगे, ये जो इन बिटवीन जो स्पेस है वहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। एंड गैस के अंदर आप देख सकते हो कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड उसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच में वो क्या है, स्पेस है, एंड एवरी टाइम वो क्या हो रहा है, वो स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस पर, एंड वो क्या कर रहे हैं, प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। तो आपको ये थ्री प्रॉपर्टीज़ में से आपको स्टेट में से आपको याद रखना, उसकी प्रॉपर्टीज जो सॉलिड की जी थी वो रिजिड है, उसका डिफाइनाइट शेप है, उसका डिफाइनाइट वॉल्यूम है, उसकी बाउंड्रीज फिक्स है। सेकंड, उसकी जो डिफ्यूजन होने की जो कैपेसिटी वेरी लेस है, एंड कंप्रेसिबिलिटी वो क्या है, वेरी लेस है सॉलिड की। अगेन लिक्विड के अंदर क्या है, कंप्रेसिबिलिटी वो ज़्यादा है, इन बिटवीन जो स्पेस है वो लार्ज है, उसका डिफाइनेट शेप अवेलेबल नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, जो भी कंटेनर में उसको फिल करो अकॉर्डिंग टू वो क्या कर रहे हैं, उसका शेप एग्जिस्ट कर रहा है। जो थर्ड वन जो है, एंड वो जो लिक्विड है वो क्या है, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड एंड गैस के अंदर वो इजीली डिजॉल्व हो रहा है, जैसा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व है, इसीलिए वो फिश है, जो हमारे जो सी एनिमल है वो इजीली वो उसको ऑक्सीजन गेन कर सकते हैं। एंड जो थर्ड वन जो था गैसीय स्टेट, उसकी जो डिफ्यूजन होने की जो कैपेसिटी है वेरी लार्ज है, उसका डिफाइनेट शेप अवेलेबल नहीं है, उसका डिफाइनेट वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है, एंड वो डिफ्यूजन वेरी फास्ट हो रहे हैं। तो आई होप आप सबको ये पता हो, चल गया होगा थ्री स्टेट के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। इन नेक्स्ट वीडियो में हम कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।